हाय गाइस, वेलकम ऑल ऑन योर पीडी एजुकेशन प्लेटफॉर्म। और आज मैं आप लोगों के सामने एक वीडियो लेके आया हूँ, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किन किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए अपना इंटरव्यू के लिए प्रेपरेशन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो एमपीपी एंड पावर डिपार्टमेंट, तो एमपीपी एंड पावर डिपार्टमेंट के अंदर देखो कौन कौन से यहाँ पे सब डिपार्टमेंट है जो फॉल करते हैं। तो जनरली यहाँ पे तीन डिपार्टमेंट आपको मिलेंगे, HPPCL हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, HPPTCL हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, और एक आपका है हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। ठीक है, तो ये तीन डिपार्टमेंट इनके अंदर फॉल करते हैं। और जनरली अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया है, जो लास्ट दिसंबर 2021 में हुआ था और 4 नवंबर 2022 को इसका रिटर्न का रिजल्ट आया, और जो बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए हैं लगभग 90 के करीब बच्चे हैं जो इंटरव्यू की प्रेपरेशन की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, इंटरव्यू की प्रेपरेशन कर रहे होंगे बेसिकली। ठीक है, तो चलिए, तो ये डिपार्टमेंट। अब इंटरव्यू कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो कौन कौन सी चीज़ें आपको दिमाग के अंदर रखनी है और किन किन चीज़ों के लिए आपको तैयार होना है। ठीक है, तो इंटरव्यू कंपोनेंट के अंदर आप देख लो यहाँ पे चार चीज़ें। तो पहला तो आपका इंट्रोडक्शन पार्ट हो जाएगा। इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा अपने आप को, वो आपको बोलेंगे अपने बारे में बताएं। ठीक है, उसके बाद वो जीके का पार्ट आपके एरिया के बारे में पूछेंगे, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं, उसके बारे में क्वेश्चन करेंगे। कुछ वो करंट अफेयर्स के बारे में पूछेंगे। ठीक है, अच्छा, अगर हिमाचल में कुछ नया हुआ है जैसे एम्स या फोर लेनिंग का प्रोजेक्ट है या कुछ और नई चीज़ हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज, तो उसके बारे में वो कुछ जानेंगे आपसे कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ठीक है, और डिपार्टमेंट वाइज क्वेश्चन करेंगे कि अगर हम बात करें एमपीपी एंड पावर की, तो बीइंग एन सिविल इंजीनियर इसके अंदर आपका क्या रोल रहने वाला है, अगर आपको हम सेलेक्ट करते हैं तो आप किस तरह से बेनिफिट दोगे एमपीपी एंड पावर डिपार्टमेंट के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो डायरेक्टरेट ऑफ एनर्जी है उसके अंदर बहुत सारे ये सब डिपार्टमेंट फॉल करते हैं। नेक्स्ट, कुछ कमीशन के बारे में भी बता सकते हैं, अबाउट HPPSC कमीशन के बारे में पूछ सकते हैं कि आप बताएं कमीशन के बारे में आप क्या जानते हो, चेयरपर्सन कौन है इसके, ये चेयरमैन कौन है। सेम एमपीपी एंड पावर के केस में भी आपसे पूछेंगे। ठीक है, और टेक्निकल क्वेश्चंस, तो जिनके लिए तो आपको तैयार रहना ही रहना है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा भी वो डेप्थ में नहीं आपसे पूछेंगे। टेक्निकल क्वेश्चंस में आपसे वो एक तो बेसिक चीज़ें जानना चाहेंगे, बेसिक चीज़ें बताने के बाद ही वो फिर आगे किसी नेक्स्ट डेप्थ वाले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन पार्ट में देखो चार चीज़ें जनरली रहेंगी। सो फर्स्ट थिंग, आप अपने बारे में बताएं, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। ठीक है, तो आप अपने बारे में बेहतर तरीके से बता सकते हो। सेकंड, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, उस एरिया के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। किस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो, उस डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पॉपुलर हैं, या हिमाचल में कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट जो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, या जहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई एक्टिविटी हो रही है, चाहे वो कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी है चाहे वो कोई दूसरी तरह का एक्टिविटी है। ठीक है, HR पार्ट में वो कुछ आपसे क्वेश्चन करेंगे कि अगर आप MPP एंड पावर डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हो तो आपका योगदान क्या रहेगा डिपार्टमेंट के अंदर। ठीक है, आप किस तरह से एसेट बन सकते हो। फाइन, करंट अफेयर, जो करंट में चीज़ें चल रही होंगी, तो मेरे ख्याल से करंट अफेयर के ऊपर ज़्यादा बोलना चाहिए, दैट यू नो वेरी वेल। ठीक है, अब जैसे हिमाचल में कोई अगर नई पार्टी बना, जैसे इलेक्शन होने वाले हैं एज यू नो ऑल, तो वो कुछ इलेक्शन के ऊपर भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि बताओ नई पार्टी कौन सी पिक्चर में आई है। ठीक है, तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है चार पार्ट में। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, टेक्निकल क्वेश्चंस की बात करें तो कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे, बच्चे होंगे जो एक्सपीरियंस्ड होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो फ्रेशर हैं। ठीक है, तो एक तो आपके वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिंपल सी बात है कि आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, आपने किस तरह का काम किया है, तो चलो आप उस वर्क एक्सपीरियंस के बिहाफ के ऊपर ये काम को कैसे करोगे, और टेक्निकल सब्जेक्ट्स, किन सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस करना, दैट आई विल टेल यू। सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग में भी आपसे क्वेश्चन करेंगे। और जो बच्चे बिल्कुल फ्रेशर होंगे, जो बच्चे बिल्कुल फ्रेशर होंगे उनको सिर्फ फोकस करना है टेक्निकल सब्जेक्ट्स के ऊपर। फ्रेशर बच्चों को फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल सब्जेक्ट्स के ऊपर। अब टेक्निकल सब्जेक्ट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं वो अभी देखते हैं। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें टेक्निकल सब्जेक्ट्स की, तो जिन जिन सब्जेक्ट्स के ऊपर आपको फोकस करना है बच्चे, RCC,
रिन्फोर्स सीमेंट कंक्रीट आपसे पूछेगा ये क्या होता है, इसमें बेसिक चीज़ें। अच्छा स्टील स्ट्रक्चर्स, इसके बारे में भी आपसे पूछ सकता है, अगर कोई पैनल में स्टील का एक्सपर्ट बैठा है डेफिनेटली ही एंड शी विल आस्क क्वेश्चन फ्रॉम यू। और सॉयल, जिसको आप जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के नाम से जानते हो, उसके ऊपर क्वेश्चन, और बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का और फ्लूड के भी क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ों के ऊपर बच्चों आपको फोकस करना है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस के साथ आऊँगा जो ऑलरेडी पूछे गए हैं HPPSC के इंटरव्यू में, और जो बच्चों ने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि किस तरह के क्वेश्चन उनसे पूछे गए, लेवल किस तरह का था क्वेश्चन का, और कितना डेप्थ तक क्वेश्चन पूछे गए, दैट आई विल शेयर यू, ठीक है। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ लेके आऊँगा। तो तब तक बने रहिए योर PD एजुकेशन के साथ। अगर बच्चों आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो नीचे आप गूगल फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। सो जय हिंद, जय भारत।